हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए टॉर्टिला रैप की रेसिपी लेके आई हूँ। ये टॉर्टिला रैप बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। झटपट से बनने वाले ये रैप बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉर्टिला रैप बनाने के लिए ब्रेड तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच तेल डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक नरम डो तैयार कर लेंगे। अब हम डो में थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से मिला लेंगे और 15 मिनट के लिए इसे ढककर साइड में रख देंगे। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है, हम रैप के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर पनीर की स्टफिंग बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 50 ग्राम पनीर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच चाट मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च। साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1/2 नींबू का जूस। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम पैन में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और उसमें अपने पनीर को डाल देंगे। हमें पनीर को मीडियम फ्लेम में 2 मिनट तक अच्छी तरह रोस्ट करना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच सेजवान चटनी और 1/2 चम्मच टमाटो केचप। इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी और साथ ही अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ओरिगेनो। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। चलिए अब हम टॉर्टिया बना लेते हैं। इसके लिए मैंने मीडियम फ्लेम में तवा को हीट कर लिया है। अब हम टॉर्टिया को अच्छी तरह रोटी की तरह पतला बेल लेंगे। हमें इसे रोटी से थोड़ा बड़ा बेलना है। इस तरह तवे में डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम में एक साइड में हल्के बबल्स आने तक सेक लेंगे। जब बबल्स दिखने लगे तब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और अच्छी तरह से इसे सेक लेंगे। इस तरह हम अपने सारे रैप को सेक लेंगे। चलिए अब फिलिंग भरना स्टार्ट करते हैं। रैप बनाने के लिए सबसे पहले हम बीच में इस तरह से कट लगाएंगे। हमें इसके 4 भाग तैयार करने हैं। एक भाग में हम इस तरह टमाटो केचप लगाएंगे, दूसरे भाग में हम थोड़े वेजिटेबल्स रखेंगे, जिसमें मैं रख रही हूँ कैबेज, टमाटो और ऑनियन। अब इस तरह हम एक चीज़ रखेंगे और एक तरफ रखेंगे हमने जो पनीर की फिलिंग तैयार की थी। अब हमने जो कट लगाया था वहाँ पर से पहला फोल्ड करेंगे। इस तरह अब दूसरे तरफ फोल्ड करेंगे और इसी तरह अब हम तीसरे तरफ फोल्ड करेंगे। हमारा रैप तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरा रैप भी तैयार कर लेंगे। तवा गरम हो गया है। मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी मक्खन। अब मैं रैप को अच्छी तरह से सेक लूंगी। हमें इसे 2 मिनट तक सुनहरा रंग आने तक सेकना है। रैप अच्छी तरह से सिक गया है। इसी तरह मैं दूसरा रैप भी सेक लूंगी। हमारे टॉर्टिला रैप बनके तैयार हैं। ये दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उतने ही अच्छे थे। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।